हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है जयचंद गंडेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विथ परमानेंट कोलोस्टमी, और इस चैनल पर मैं ज़्यादातर इसी कैटेगरी के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज का वीडियो व्लॉग है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के त्यौहार के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार जो हिंदुस्तान में दो अलग अलग दिन में मनाया जा रहा है, पता नहीं ये बार कुछ लोग 30 को भी मना रहे हैं, कुछ लोग 31 को भी मना रहे हैं। और मुंबई में मैं फिलहाल हूँ, तो हम लोग ने कल जो 30 तारीख थी उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार बना लिया था और मना लिया था, सॉरी। तो पर राजस्थान वगैरह में जो हमारा परिवार है वहाँ पे भी, मतलब जॉइंट फैमिली है, सब गांव है, वहाँ पे 31 को मनाया जा रहा है। बहुत सारी जगह पे 31 को ही मनाया जा रहा है, अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से, या तो जो पंडितों ने बताया है उनको उस हिसाब से, तो उस हिसाब से मनाया जा रहा है। खैर, क्या फर्क पड़ता है, हमने कल राखी बांध ली, यस देख सकते हो। और क्या, तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी दोस्तों बहुत ही, मतलब उसका भी एक आनंद बचपन में बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, वो वैसे इतना बचपना वाला नहीं आता दिमाग में। बचपन में अलग ही फीलिंग आती थी, क्योंकि बचपन में स्कूल के डेज में राखियों का बहुत क्रेज होता था। सॉरी, मुझे जुकाम है इस वक्त। स्कूल के डेज में रक्षाबंधन का बहुत ज़्यादा क्रेज होता था, अलग अलग राखियाँ, जो लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी वाली राखियाँ बांधती थी उसको ज़्यादा ऐसा लगता था कि यार ये मेरी सच्ची वाली बहन है। और उस वक्त ऐसा लगता था कि दोस्तों जिसकी हाथ में ज्यादा राखियां हो ना, वो कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब फेमस है या सब कुछ है, और मेरे हाथ में हमेशा रहती थी। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए तो ऐसा लगने लग गया कि यार रक्षाबंधन का त्योहार तो भाई बहन वाला त्योहार है, इसको तो थोड़ा दूर रहना चाहिए लड़कियों से। तो फिर हम वैसे थोड़ा वो क्रेज भी कम हो गया, छुट्टियां मारने लग गए उस दिन, सब कुछ करने लग गए। तो अलग अलग एज में अलग अलग सब कुछ होता है। आज की डेट में भी दोस्तों अब बहन भाई तो ऐसे कोई भी बना लेता है, पर सही मानने में हम जिसको एक्चुअली में जो सिस्टर समझते हैं वो बहुत कम होती है, और सिस्टर्स भी सबके फेवरेट्स होते हैं। वो किसी को सिर्फ भाई मानती है, उसी को ही भाई मानती है, बाकी लोगों के लिए वो बहुत बार लड़कियां या औरतें ज़्यादातर भैया शब्द यूज़ कर देते हैं, पर वो सबको वैसे नहीं मानते मतलब। तो ये सब चीज़ों में ये रहता है। तो एक्चुअली में रक्षाबंधन का त्यौहार उनके लिए ही है जो आपको सच्चे दिल से आपको भाई मानते हैं, आपको हमेशा हमेशा भाई की तरह याद करते हैं, हमेशा याद करते रहते हैं, आपकी दुआएं करते रहते हैं। और सेम विद बॉयज़, जो आपको भी कहीं ना कहीं सिस्टर की तरह मानते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। बाकी ऐसे तो आप किसी को भी भाई बना लो, किसी को भी बहन बना लो, कोई मतलब नहीं है। यस, तो क्योंकि आप इसको फिर आप इसको वो रिश्ते को रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, संभाल ही नहीं पा रहे हो, तो इससे अच्छा तो आप किसी को ना ही भाई बनाओ ना ही बहन बनाओ। यस, आप या तो अजनबी रहो, या तो दोस्त के हिसाब से रहो, या तो एक कैजुअल फ्रेंड रहो। यस, तो ये है रक्षाबंधन, जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा त्यौहार है। गांव वगैरह में या राजस्थान वगैरह में इसका बहुत सारा क्रेज है, सिटी में तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, गांव वगैरह में बहुत ही दोस्तों, वहाँ पे तो इस वक्त मार्केट वगैरह में भी आप जाओगे ना, पूरा पूरा भरा रहता है इस वक्त, मतलब औरतें इतना भीड़ कर देती है कि वहाँ पे ना बैरिगेट्स लगाने पड़ जाते हैं कि वहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे। यस, हमारे गांव में चूरू वगैरह में वहां पे तो बाजारों में बैरिकेड्स लग जाते हैं, कि पुलिस लग जाती है कि वहां पे कोई
कोई रिक्शा नहीं जाएगा, वो मोटर्स नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में इसके अंदर सब शॉपिंग हो रही है, बहुत भीड़ होती है। तो ये थोड़ा यहाँ पे सिटी में पैसा कम देखने को मिलता है, पर खैर सबका अलग अलग आनंद है। और आप भी इस आनंद वाले त्यौहार को अच्छे से बनाओ, त्यौहार का मज़ा उठाओ। अभी फेस्टिवल सीजन आ गया है हिंदुस्तान में, अभी बहुत सारे त्यौहार होंगे यहाँ पे महाराष्ट्र में, मुंबई में गणपति आएगा, अभी बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है यहाँ पे। तो बस त्यौहारों की भी छड़ी लग गई है, ठीक है। ये ऐसी ब्लॉग मैंने बना लिया, अभी नेक्स्ट वीडियो सीधा राजस्थान में आएगा, ये लास्ट वीडियो है मुंबई का। तो जो भी है आप अपना ध्यान रखो, कोई भी सवाल है कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में वेलकम हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैनल है दोस्तों। आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, नॉलेज वाले वीडियोस भी आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।